असल मतम प्रेम टेन पर निकला है हल्का माइनस पास लेकिन इसी बीच अच्छा पास और यहाँ पर विकास का एक लंबा लोकेट शॉट गेंद हवा पे है अच्छा हेडर बबलू कुमार एक बार डिफेंस की तरफ से अच्छा शॉट जमाते हुए इसी बीच ग्यारह नंबर के पास पोजीशन एक बार ग्यारह नंबर लंबा शॉट जमाया है लेकिन देखना होगा क्या वहां पर पटवारी और क्या गोल होगा लेकिन वहां पर सुंदर कलेक्शन इस समय देवी राम गोलकीपर के द्वारा बहुत अच्छा शॉट वहां पर पटवारी के द्वारा आया था और इस बार लंबा शॉट जर्सी नंबर 10 एक खिलाड़ी को टेकआउट करने के बाद जर्सी नंबर 10 के पास की अभी पोजीशन वहां पर जर्सी नंबर 10 है संतोष एक बार लंबा शॉट संदीप के पास पोजीशन संदीप वहां पर संतोष के लिए लेकिन एक बार गेंद मध्य रेखा के लगभग संदीप का हेडर जर्सी नंबर 7 जब तक वहां पर गेंद को प्ले में रखते तब तक गेंद टच लाइन के बाहर लेकिन अंत समय में गेंद गोल लाइन के बाहर निकल गई और वहां पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं गुड्डा की टीम एक बार लंबा शॉट जमाया है अमित की दिशा में ग्यारह नंबर एक बार गेंद को लॉप कर दिया है अच्छा हेडर इसी बीच आठ नंबर पर एक खिलाड़ी टीम के कैप्टन प्रेम लेकिन आठ नंबर और इससे पहले वहां पर फॉल का स्थिति बचता हुआ फॉल की क्रमों का हर एक बार लीला तरीके मिलता हुआ विकास किसको इसमें फॉल के लिए जर्सी नंबर 7 अमित एक बार आगे बढ़ने का प्रयास एक खिलाड़ी को छकाने के बाद अच्छा पास वहां पर राजा बाबू के द्वारा राजा बाबू बीच बीच में मिस कर रहे हैं पास को और इसी बीच पुनः एक बार राइट फिंगर के खिलाड़ी 10 संतोष के लिए थोड़ा सा ऑफ टारगेट शॉट वहां पर जर्सी नंबर 8 जो कि सुनाराम पहले मैच में भी इस खिलाड़ी ने अपने टीम के लिए एक गोल दागा था लीग रन के मैच में लेकिन वहां पर थोड़ा सा टारगेट में गिर जाती गोल लाइन के बाहर और यहां से गोल किक करने का मौका बढ़ा लेगा फिर इस समय जर्सी नंबर 10 अमित के पास ये भी पोजीशन है ये दूसरा सेमीफाइनल का पहला है फॉल किक के लिए प्रीतम अच्छा हेडर उतना ही बेहतर तरीके से अमित अच्छा पास वहां पर 6 नंबर सकुर के लिए सकुर ने वहां पर इसी बीच अच्छा पास ले पे एक बार देखना होगा तेज गति के साथ संतोष अच्छा पास वहां पर जर्सी नंबर 14 के लिए लेकिन प्ले वहां पर रुक गया था और इसी वजह से ये फॉल किक करने का मौका बढ़ा एक बार फिर एफसी गोड्डा के टीम को मिलता हुआ इसी बीच लंबा शॉट एक बार अच्छा शॉट जर्सी नंबर 10 संतोष के पास है अभी पोजीशन एक खिलाड़ी को टेकआउट करते हुए और वहां पर ये 10 और 10 में फिर गेंद एक बार इस बीच लंबा शॉट राजा बाबू के पास पोजीशन पीछे वहां पर और इस बार लंबा खेल दिया है पटवारी के लिए क्या पटवारी वहां से गेंद को मोड़ पाएंगे और गेंद को फिर खेल दिया है टच लाइन के बाहर इसी बीच संतोष के पास पोजीशन अच्छा पास संतोष के द्वारा अच्छा पास वहां पर जर्सी नंबर 9 प्रेम के लिए क्या वहां से लीला तरीके की टीम गेंद को मोड़ पाएंगे जर्सी नंबर 9 अच्छा डिफेंडिंग सीधा मुजबिल के हाथों में इस पर गेंद को खेल दिया है पोजीशन इसी बीच फिर एक बार संतोष के पास पोजीशन राइट विंगर के लिए गेंद को खेल दिया है अब बबलू कुमार के कब्जे में आती हुई और बबलू कुमार ने एक खिलाड़ी को टेकन करने के बाद
और ये फॉल होगा। और फॉल कंसिड कर लिया है इस वे एफसी मिलो तरीके की इस मैच में। सकूर अच्छा पास आता राजा बाबू लेकिन एक बार आगे बढ़ते हुए गेंद टच लाइन से बाहर थ्रो इन का मुकम्मल मिलेगा एक बार फिर इस समय अच्छा थ्रो इन बड़ी बहुत सकूर के द्वारा गेंद हो गई अच्छा हेडर तीन नंबर खेल बोल बिना तीन नंबर हड़ी मोच नोड़े दस नंबर अमित खेल बोल बिना अमित आदमी थम गेंद प्लेयर की धाव बना और नोड़े अच्छा पास पटवारी लगी लेकिन गेंद बड़ी बहुत सात नंबर खेल बोल बिना सात नंबर रहने ये बीच रहे होना लेकिन गेंद एक बार फिर सकूर सकूर लहा सके गेंद के लिए अच्छा है लगा थोड़ा दिशा के छह नंबर पे गेंद मिला लेकिन इसी बीच फॉल दिया सारा और फॉल की क्रिया मुकम रहा एक बार फिर इस समय एफसी लीला तरीके पहले हाफ किया मैच चला थे और दोनों खेल फिर एक बार फॉल की क्रिया मुकम रहा लगा इस समय लीला तरीके अच्छा साथ लेकिन अच्छा कलेक्शन इस समय मुजमिल अंसारी के द्वारा इस बीच लंबा शॉट और इसी के साथ यहां पर पहले हाफ का जो समय है वह समाप्त होता हुआ और मैं चाहूंगा इस मध्यांतर के समय में चेयरगंज की टीम एक बार गेंद रिप हो होना था कि बिना अच्छा आने का मतलब हाथ से कितना हाफ है लेकिन इसी बीच अच्छा रिफेलिंग जर्सी नंबर पांच के द्वारा गेंद हवा के बिना लेकिन इसी बीच एक बार फिर पांच नंबर पर एक खिलाड़ी राम आनंद अपन गेंद क्रॉस या बढ़िया पास लेकिन उन्होंने अच्छा डिफेंड इस बीच गेंद हवा के बिना अच्छा हेडर करते हुए फिर एक बार अच्छा पास लेकिन उन्होंने मौका बड़ा मिला तरी लगी लेकिन ये फॉल कर की करने का मौका मिलेगा इस समय फिर एक बार मिला तरी के टीम को यह सेकंड हाफ का भी चलता हुआ और ऐसे में एक बहुत अच्छा मौका इस समय लीला तरी के लिए बनता हुआ आज उन्हें कौन खेल का कुछ होता लीला तरी टीम ये देखने वाली बात रहेगी और यहां पर बहुत अच्छा मौका बना है एफसी लीला तरी के लिए और देखना होगा इस शॉट से किस तरह उभरते हैं यहाँ पर एफसी गोंडा की टीम क्या इस शॉट को बचा पाएगी पूरी तरह से मौका बन रहा है इस समय एफसी लीलोतरी के लिए लेकिन क्या यहाँ पर अपने टीम के लिए गोल को बचा पाएंगे इस समय एफसी गोंडा की टीम और इस बार डिफरेंट हो गई है लेकिन वहां पर पटवारी ग्यारह नंबर संदीप एक बार किराने अच्छा हेडर वहां पर एक बार फिर पेनल्टी बॉक्स के आजूबाजू में लेकिन तब तक मैं अभी की भी गेंद एक बार फिर एक बार लीला तरी की टीम ने गेंद को टच लाइन के तकरीबन में खेल लिया था लेकिन इसी बीच एक बार फिर गोल पोस्ट के क्षेत्र में पीछे वहां पर एक बार वहां पर अमित का अच्छा डिफेंडिंग इस समय एफसी गोटा का फॉल की करने का मौका बढ़ा एक बार फिर एफसी गोटा की टीम को मिलता हुआ एक बार लगा वहां पर अच्छा है प्रेम टीम के कैप्टन एक बार लंबा शॉट जर्सी नंबर आठ सोना रहा एक बार अच्छा अच्छा शॉट
लेकिन अच्छा है। 14 के पास पहुंचे निशान और ये फॉल होगा। इस तरह से वहां पर जर्सी नंबर 11 ने प्रहार किया था और इसी बीच यहां पर फॉल किक करने का मौका। बिल्कुल इस समय विकास किसको अपने ही क्षेत्र से और विकास का अच्छा शॉट होगा। पेनल्टी बॉक्स में खेलने का प्रयास, अच्छा हेडर लेकिन वहां पर 11 नंबर अच्छा शॉट, लेकिन धीरे धीरे गेंद बाद टच लाइन के बाहर निकल जाएगी और थ्रो इन का मौका बढ़ा लेगा। फिर इसमें एफसी गोटा के टीम को मिलेगा। एक बार माइनस पास, लेकिन एक बार फिर किरानी, किरानी के पास पर पोजीशन है। एक बार गेंद हवा में, किसी भी देखा साफ और यहाँ पर फिर खोल खोल की करने का मौका मिलेगा। और यहां से फॉल की करने का मौका, एक क्लासिक समय के लिए चोटी हो गया है। अच्छा कभी फिर थोड़ा बाहर निकल रहा इसी बीच लीलातरी के पास ऑपोजिशन, वहां पर लीलातरी ने लंबा वहां पर गेंद को खेला है। अच्छा पास वहां पर, एक बार किरानी इसी बीच अच्छा पास, लेकिन गेंद सीधा टच लाइन के बाहर। तो इंडिया का मौका भारतीय नंबर ₹12,000 नहीं जाता।